एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आप लोग कैसे, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी अच्छी तरीके से होंगे और आप लोगों की गाड़ी भी अच्छी चल रही होगी। ये देखिए, ये मैंने सेम का ये प्लांट्स लगाया था। सेम यानी कि ब्रॉड बीन्स। जगह की अगर कमी है और आप किचन गार्डन अगर करना चाहते हैं तो भी आप, ये मेरा कूलर का एक ये टैंक था, उसमें मैंने नीचे किचन वेस्ट और मिट्टी भर करके उसमें ये इसके सीड ये लगा दिए। और ये देखिए, ये कितनी अच्छी तरीके से ग्रो हो गया है। और इसको चढ़ाने के लिए मैंने सोचा कि अगर मैं इसको बांध करके चढ़ाऊंगी तो मैं जगह बहुत ये ले लेगा, तो इसलिए मैंने एक कंस्ट्रक्शन में जो काम आती है ये सरिया लोहे की, उसको मैंने ये लिया। और उसमें मेरे पास लोहे की एक ये नेट थी, उसको फंसा करके उसमें मैंने इसको चढ़ा दिया। ये देखने में भी अच्छी लग रही है और ये चारों तरफ से इसको मैंने चढ़ाया हुआ है। और ये एक जगह और ये सेट भी हो गई है। तो इस तरह से अपने घर में हम लोग किचन गार्डन बना सकते हैं। ये सेम ये आपको अक्टूबर से नवंबर तक में भी लगा सकते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग मौसम में ये लगाई जाती है। कहीं इसको सितंबर और कहीं इसको मई जून में लगाते हैं। जहाँ का जैसा क्लाइमेट होता है वहाँ उसी तरह से ये सेम की फली लगाई जाती है। ये सेम की सब्ज़ी बहुत ही मज़ेदार होती है और इसके अचार भी बनाए जाते हैं। इसमें विटामिन B6 और B3 पाया जाता है जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसको जाड़े में इसमें बहुत में सेम लगती है, इसलिए इसको अभी भी टाइम है। अगर आप लोगों ने नहीं लगाया तो आप लगा सकते हैं और अपना किचन गार्डन बना सकते हैं। और इसी तरह से आप कोई भी चीज़ लेकर के, कोई लकड़ी या किसी में, इस तरह से आप इसको चढ़ा सकते हैं। और इधर अगर आप ले जाते तो बहुत ही जगह ये घेरती, इसलिए मैंने एक ही जगह में इसको ऐसे करके चढ़ा दिया है। और मेरा ये क्रीपर जो है देखने में भी खूबसूरत लग रही है। ये वीडियो फ्रेंड्स मेरी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और उम्मीद है कि आप लोग ये ब्रॉड बीन सेम को ज़रूर ग्रो करेंगे।